Good morning, my name is Tripathi and I am explaining you issue of shares which is part of the syllabus of class 12. I will take a question first. So question, issued 10,000 shares at the rate of rupees 10 each at a premium of rupees 2. कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए ईच का शेयर है और प्रीमियम कितना है 2 रुपए का, तो शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 10 + 2 = 12. अब हम चेक कर रहे हैं कंपनी ने 12 रुपए कैसे कैसे बुलाया है, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल. Five, four, two, and one. 5, 4, 9, 9, 2, 11, 1, 12. Premium given नहीं हम लोग कहाँ पर है, तो हम देखेंगे premium हमेशा allotment में ही रहता है. If it is not given in the question, 2 + 2. अब हम check करेंगे कितना receive हुआ. अब मैं case ले रहा हूँ full subscription का. Full मतलब होता है जितना issue किया उतना ही receive है. Issued equal to receive. डन. अब इसकी हम एंट्रीज स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन, जो हमारा फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. यहां पे हमारा नेम ऑफ द कंपनी, क्वेश्चन में लिया नहीं है तो यहां पे लिख देना नेम ऑफ द कंपनी. अब हमारी एंट्रीज पेयर्स में होती है. पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की. हर एक इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री होती है. एप्लीकेशन की 2 एंट्री होंगी, इसकी 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज होंगी और फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री होंगी. एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर हम करते हैं ट्रांसफर की एंट्री. रिसीव देन ट्रांसफर. रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब अमाउंट फिल करने के क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो हमारे इशूड और रिसीव इसमें दोनों सेम है तो हम हमेशा एंट्री करते हैं रिसीव से. रिसीव भी 10,000 ही, तो 10,000 शेयर्स इनटू 5, 50,000 का हमारा अमाउंट आ गया एप्लीकेशन में रिसीव का. अब हम एंट्री करेंगे ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 50,000 सेम अमाउंट, जो ऊपर आया था वही अमाउंट. 10,000 × 5 10,000 × 5. तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज हो गई. एप्लीकेशन की जो 2 एंट्रीज थी वो हमारी हो चुकी है. अब हम रब करते हैं. अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्रीज. जो अलॉटमेंट की एंट्रीज हैं, अलॉटमेंट की एंट्री में पहले होती है ट्रांसफर की एंट्री, उसको हम बोलते हैं ड्यू, और फिर एंट्री होती है रिसीव की. थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. रिसीव नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 10,000 शेयर्स, और इशू भी 10,000 ही थे. हम लोग को हमेशा याद रखनी है ये चीज, 10,000 इंटू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजल्ट, 10,000 इंटू 4 10,000 × 2 = 20,000 × 2 = 30,000. तो थर्ड एंट्री हमारी है ड्यू की, फिर हमारी फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट में रिसीव की. रिसीव तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। उसके बाद फिर एंट्री होगी हमारी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे इशूड और रिसीव नंबर ऑफ शेयर दोनों सेम है। और सॉरी इसमें मैंने मिस कर दिया, ड्यू के एंट्री में प्रीमियम भी आया ₹2 का, तो हम लोग ऐड करेंगे क्रेडिट साइड में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10,000 इंटू 4 हो गया हमारा 40,000, 10,000 इंटू 2 हो गया 20,000 और 10,000 इंटू 2 हो गया 20,000। ठीक है, अब हम करेंगे हमारी रिसीव की एंट्री, 10,000 इंटू 4 40,000 एंड देन 40,000। नरेशन में अभी नहीं लिख रहा हूं, नरेशन ऐसे इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो हम अभी टाइमिंग के लिए छोड़ सकते हैं। अब हम करेंगे फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल की सेटअप एंट्रीज, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री। सेम होगा फॉर्मेट, पहले होगा ट्रांसफर की एंट्री, फिर होगी रिसीव की एंट्री। सिक्स्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री एंड देन सिक्स्थ एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 10,000 इंटू 2 20,000। हमारी फर्स्ट कॉल की भी सेटअप एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे फाइनल कॉल की लास्ट सेटअप एंट्रीज, सेवेंथ एंड एट्थ एंट्री, सेवन एंड देन एट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। अमाउंट निकालने के लिए 10,000 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 1 10,000 से